हेलो एवरीवन, आज हम ऐसी रेसिपी बनाएंगे जो खांसी और सर्दी के लिए बहुत असरदार है। जैसे अभी बारिश है, बारिश में अगर आप भीग जाते हो और सर्दी और खांसी हो जाती है, तो अगर आप ये रेसिपी बना के तुरंत खाएंगे तो इससे बहुत फ़ायदा होता है और ठंड के सीज़न में भी आप ये बना के खा सकते हो। तो उसके लिए हमको लेना है 5 टेबल स्पून्स सौंठ। मैंने सौंठ का पाउडर लिया है, सौंठ ड्राई जिंजर है जिसका पाउडर अभी आसानी से मिल जाता है। तो 5 टेबल स्पून्स आप लेंगे सौंठ एंड 5 टेबल स्पून्स देसी घी और 5 टेबल स्पून गुड़। ये मैंने पाउडर्ड गुड़ लिया है। अगर आपके पास गुड़ की डली है तो उसको आप बारीक बारीक काट लीजिए। और ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो बच्चों को अगर खिलाना है तो आप ये डाल सकते हो ताकि उनको सौंठ कड़वी ना लगे। तो पहले एक कढ़ाई में देसी घी ले लेंगे, फिर घी में सूंड ऐड कर लेंगे और उसे अच्छी तरह भून लेंगे। स्लो गैस पे आपको सूंड को भूनना है, सिर्फ 2 से 3 मिनट आप सूंड भून लेंगे और उसके बाद गैस बंद कर देना है। हमने गैस बंद कर दिया है, अभी गरम गरम जब तक ये सूंड है उसी में आपको गुड़ का पाउडर या बारीक कटा हुआ गुड़ ऐड कर देना है और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। और बादाम और किशमिश के पीसेस भी ऐड कर दीजिए। और हमारा सौंठ रेडी है। बस इसे आप ऐसे ही सर्व कर सकते हो, इसको गरम गरम ही खाना होता है ताकि आपको सर्दी और खांसी में राहत मिले। बहुत ही बढ़िया सूंड की रेसिपी तैयार हो गई है। इसे आप 1 चम्मच या 2 चम्मच सुबह चाय के साथ खा सकते हो या रात को सोने से पहले भी दूध के साथ खा सकते हो। ऐसे सूंड को जमा कर बर्फ़ी के जैसे पीसेस में कट करके आप स्टोर भी कर सकते हो, लेकिन जब भी आप ये 1 या 2 पीस खाते हो तो उसके बाद गर्म चाय या दूध पीना ज़रूरी है, क्योंकि देसी घी डाला है हमने तो देसी घी भी जम जाता है ठंड के सीज़न में। तो ये खाने के बाद आप गर्म चाय या दूध ज़रूर लीजिए। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, ये भी मेरी नानी की रेसिपी है।